नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब। और इंसर्ट टैब में दो ब्लॉक है, पहला है पेज ब्लॉक और दूसरा है टेबल ब्लॉक। अब चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इसको पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा। जैसे आप एमएस वर्ड में कोई बुक का कवर बनाना चाहते हैं तो बुक का कवर कैसे क्रिएट होता है ये सिखाएंगे आपको पेज ब्लॉक में। इतना ही नहीं, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं उसमें 20, 50, 100, 1000 पेज आपको ओपन करना हो तो आप पेज को कैसे ओपन करेंगे। और इतना ही नहीं, आपका जो एमएस वर्ड में पेज होता है वो सादा पेज होता है, मैथमेटिक्स का जैसे पेपर आता था, जैसा कॉपी आता था उस तरह का पेज होता है, सेंचुरी पेज की तरह। अब उसमें कोई टेबल के अंदर डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं। इतना ही नहीं कि टेबल केवल इंसर्ट ही नहीं करना है, टेबल को अरेंज करने के लिए उसमें बॉर्डर कैसे लगाते हैं, उस तरह का काफी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा आज के क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो पूरा का पूरा एक एक सेकेंड के वीडियो को देखें, क्योंकि एक सेकेंड के वीडियो को भी अगर आप स्किप करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाएगा। एक एक सेकेंड का टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके नहीं देखें। अभी तक आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन जो आपको बुलसाई एडवेंचर्स के चैनल पे जो कंटेंट मिल रहा है, जो मैं आपको दे रहा हूं, ये कंटेंट आपके रियल लाइफ से कनेक्टेड है। आप जो भी यहां सीख रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको अपने रियल लाइफ में कनेक्ट कर पाएंगे और इससे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करके कहीं भी अच्छा पैसा, अच्छा जॉब पा सकते हैं। इसलिए अभी तक आपने बुलसाई एडवेंचर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे हमारे आने वाले वीडियो से और आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। एमएस वर्ड में अगला जो हमारा टैब है वो है इंसर्ट टैब। तो चलिए इंसर्ट टैब को आज हम लोग पढ़ते हैं। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। पहले ये समझिए कवर पेज का क्या काम है। जैसे आप कोई बुक बनाते हैं और उस बुक में कवर पेज ऊपर से कवर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एमएस वर्ड में खुद से कवर पेज कैसे बनाएंगे आइए सीखते हैं। इस ऑप्शन पे डाउन एरो पे आपको करना है क्लिक। चलिए क्लिक कर दिए। क्लिक करने के कुछ सेकेंड बाद आपको यहाँ ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा कवर पेज से रिलेटेड। इसमें से जो भी आपको यूज करना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। चलिए मुझे ये पसंद है, मैं इसे यूज करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए, ऊपर नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बार है, इसे आप ऊपर नीचे जा सकते हैं या माउस की स्क्रॉल बटन को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये हमारे पेज पे इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले है ईयर। ईयर कौन सा चल रहा है, तो 2020 ईयर टाइप कर दिए, बाहर क्लिक करेंगे। अगला है डॉक्यूमेंट टाइटल। इस किस सब्जेक्ट का आप कवर पेज बनाना चाहते हैं उसका टाइटल क्या है, तो चलिए यहाँ है कंप्यूटर फंडामेंटल। आप फिजिक्स है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ हम कंप्यूटर फंडामेंटल लिख दिए। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं या ये अच्छा लग रहा है आप इसको भी रख सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रकाश कुमार, ये बाई डिफॉल्ट जो यूजर्स अकाउंट होता है हमारे कंप्यूटर में उसका बाई डिफॉल्ट ये डिटेक्ट कर लेता है। अगला है कंपनी नेम, किस कंपनी का प्रकाशन का बुक है, तो चलिए बुलसाई एडवेंचर्स लिख देते हैं। अगला है डेट। डेट जो है कि किस डेट को ये डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है, तो चलिए आज का डेट लेते हैं। आज के डेट के लिए यहां पे डाउन एरो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा। अब यहां से देखिए ये जनवरी 2020 है, बट मुझे अप्रैल महीने में जाना है, तो ये है नेक्स्ट बटन और ये है प्रीवियस बटन। तो नेक्स्ट मंथ में जाने के लिए इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अप्रैल में आ चुके हैं और अप्रैल में जो आज का डेट है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के बाद आप बाहर क्लिक करेंगे। चलिए ये आपका कवर पेज क्रिएट हो चुका है, अच्छे से देखिए।
आपने जो जो टाइप के आ चुका है, अब इसे निकालने के लिए आपको प्रिंट करना होगा। तो प्रिंट का शॉर्टकट क्यों होता है? कंट्रोल प्लस पी। जैसे ही कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे, पी प्रेस कर दिए, तो यहाँ पे आपका कवर पेज इस तरह का बन के आएगा, ये दिख रहा है आपका। अब इस कवर पेज को निकाल कर आप जितने भी आपके बुक है, सारे बुक के पहले पेज पे आप इसे लगा कर इसे सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड में कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। चलिए यहां से बैक आते हैं। अगला इसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। कवर पेज के बाद अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का क्या काम है? देखिए, अभी हमारे कंप्यूटर में इस एमएस वर्ड में सिर्फ एक पेज खुले हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये स्टेटस बार है। स्टेटस बार में ऑफ के बाद जितना नंबर होता है उतना पेज खुला हुआ है, और ऑफ से पहले जितना नंबर होता है उतना पेज पे आप हैं। अभी एक पेज खुला हुआ है और एक पेज नंबर पे आप हैं। अब मुझे इसमें और ज़्यादा पेज ओपन करना है, 10, 20, 50, तो उसके लिए कहाँ जाना है? उसके लिए आपको जाना है ब्लैंक पेज ऑप्शन पे। चलिए इस पे आ गए और हम क्लिक करते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा, जैसे दो हो गया। और अगर इस पे आप कंटिन्यू क्लिक करते रहेंगे तो कंटिन्यू पेज भी ओपन होता रहेगा। देखिए अभी कितना खुल चुका है, 28। और ज़्यादा अगर ओपन करना है तो और ज़्यादा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये और ज़्यादा ओपन होगा। देखिए यहाँ से आप जैसे जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं ये ओपन होते जा रहा है, 35 खुल चुका है। इस तरह से आपको जितना भी पेज ओपन करना होगा आप ओपन कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका ओपन करने का, और इसका एक शॉर्टकट की भी आता है जो मैं बता दूं। अभी आप देखेंगे 35 पेज ओपन है, और यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक नहीं करूँगा, फिर भी पेज खुलेंगे। कैसे? तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे। जैसे जैसे कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे पेज ओपन हो रहा है। देखिए कितना खुल चुका है, 57। और ज़्यादा खुलना है, कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करते रहेंगे। कितना खुल चुका, 65। इससे क्या समझे कि आप अपने डॉक्यूमेंट में एमएस वर्ड में जितना नया पेज ओपन करना चाहते हैं तो आप दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। पहला तरीका है ब्लैंक पेज पे बारी बारी से क्लिक करते रहें, और दूसरा कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करें। चलिए ये कंट्रोल के साथ ए से सेलेक्ट करते हैं और सारे पेज को डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, सिर्फ एक पेज बच जाएगा जिस पे आप वर्क करेंगे। चलिए, तो आपको बारी बारी से पेज ओपन करना भी आ चुका है। अगला है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब होता है कि इस पेज ब्रेक से पेज को दो भागों में तोड़ना। अब इसका क्या काम है, आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड में कुछ भी पैराग्राफ जो आता है उसके लिए रन कमांड है इक्वल टू RAND इंटर। अब यहाँ पे देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि इस पेज पे 1, 2, 3, 4, 5 पांच पैराग्राफ है। हम चाहते हैं इस पेज पे तीन पैराग्राफ रहे और लास्ट का जो दो पैराग्राफ है ये और ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो उसके लिए क्या करना है, इस दो पैराग्राफ से पहले वाले पैराग्राफ के लास्ट में आप क्लिक करेंगे, कर्सर वहां रहेगा, और फिर आप जाएंगे पेज ब्रेक पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप ध्यान से देखिए, पहले वाले पेज पे तीन पैराग्राफ बच चुका है, 1, 2, 3, और दो जो लास्ट का पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पे जा चुका है। तो पेज ब्रेक का काम है कि आप किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी लाइन को नेक्स्ट पेज पे सेंड करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज और देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि यहां दो पेज खुल चुका है, तीन पैराग्राफ पहले वाले पे हैं, दो पैराग्राफ दूसरे वाले पे हैं, और लास्ट वाले में इसी में से एक पैराग्राफ नहीं एक लाइन लेते हैं। जैसे यहां से ये जो इफ से स्टार्ट हो रहा है लाइन, इस लाइन को हम नेक्स्ट पेज पे सेंड करना चाहते हैं, तो यहां से इसे क्लिक करेंगे और फिर चले जाएंगे पेज ब्रेक पे। अब देखिए आप, नेक्स्ट पेज पे ये जो लाइन था इफ से वो नेक्स्ट पेज पे चला जा चुका है। उससे पहले वाले पेज पे देखिए, ये दो पैराग्राफ में से कुछ बचा है और उससे पहले वाले पे तीन बचा है। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके किसी भी कंटेंट से, किसी भी लेटर को, किसी भी लाइन को, किसी भी पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे सेंड कर सकते हैं। चलिए कंट्रोल से सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया, इंसर्ट टैब में कवर पेज जिसे आप नया कवर पेज बना सकते हैं, ब्लैंक पेज जिसे आप नया पेज ओपन कर सकते हैं, और पेज ब्रेक जिसे किसी भी कंटेंट को, किसी भी लेटर को, किसी भी कैरेक्टर को नेक्स्ट पेज पे सेंड कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन, अगला जो ब्लॉक है वह है टेबल। चलिए अब इसे समझते हैं। टेबल ब्लॉक का क्या काम है? जैसे ये एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में जो पेज आप देख रहे हैं ये सिंपल है, सादा पेज है। इसमें टेबल में आपको कुछ काम करना हो
तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे टेबल में। अब टेबल में यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, ये है कॉलम रो, और ये जो आपको दिख रहा है ये है कॉलम। तो आप कितना कॉलम और कितना रो का टेबल इंसर्ट कराना चाहते हैं? जैसे आप 3x3 यानी 3 रो और 3 कॉलम लेकर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए बन चुका है 1, 2, 3 रो 1, 2, 3 कॉलम। तो इस तरह से और भी ज़्यादा लेना चाहते हैं, कंट्रोल से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करते हैं, फिर टेबल वाले ऑप्शन पे आते हैं। टेबल वाले ऑप्शन में आप चाहते हैं कि आप पूरा यहाँ पे जितना भी दिया है ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इतना का टेबल बनके ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए एक चीज़ मैं और बता दूँ, टेबल जैसे ही आप इंसर्ट करते हैं तो ऊपर में ये 2 ब्लॉक खुलता है, लेआउट और डिजाइन, जिसे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में अगर इसे कवर करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें इसे छोड़ते हैं, इसमें सिर्फ टेबल का ऑप्शन समझेंगे और ये एडिटिंग का ऑप्शन टेबल के नेक्स्ट वाले वीडियो में इसे यूज करेंगे, कवर करेंगे। चलिए कंट्रोल इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। अगला है हमारा, इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं। अब आपके माइंड में सवाल आया कि अच्छा मैक्सिमम इतना ही लिया जा सकता है? जी नहीं, यहां से सेलेक्ट करके मैक्सिमम इतना लिया जा सकता है, लेकिन एमएस वर्ड में टेबल मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूं इंसर्ट टेबल पे। जैसे ही आप इंसर्ट टेबल पे आएंगे, इंसर्ट टेबल पे आने के बाद यहां एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है, इसमें देखिए आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं? तो मुझे तो पता है कि नंबर ऑफ कॉलम 63 होते हैं और नंबर ऑफ रोज 32,767 यानी 63 कॉलम और 32,767 रो होते हैं। लेकिन आपको मैं कंफर्म कैसे करूं उसके लिए मैं यहां चेक करता हूं। तो देखिए कॉलम पे लेते हैं 65 और रो में लेते हैं हम 2, और उसके बाद ओके पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहां एक डायलॉग बॉक्स खुला, क्या लिखा, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 और 63। इससे यह प्रमाणित होता है कि एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम का संख्या मैक्सिमम 63 होता है। चलिए यहां पे हम 6 देते हैं। अब रो चेक करने के लिए यहां टाइप करते हैं 32,768। अब इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहां डायलॉग बॉक्स में क्या बोला, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 और 32,767। चलिए इसे क्लोज करते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछे एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना है तो मैक्सिमम कॉलम कितना होता है, 63। देखिए यहाँ 63 और नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम कितना होता है, तो 32,767। इसे आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिलहाल मैं यहाँ से आपको यहाँ से सेट करके बताता हूँ कि अगर आपको चाहिए कि कॉलम 10 और रो 20 तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, और उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से ये टेबल का ऑप्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगला है टेबल में इंसर्ट टेबल, समझ गए, इससे आप जितना चाहे अपने मन से खुद से रख सकते हैं। अगला है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल का क्या काम है, इस पर आप जब सेलेक्ट करेंगे तो खुद से एक पेंसिल आएगा और उससे आप छोटा छोटा टेबल बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हम छोटा छोटा बनाते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ बनाते हैं, फिर यहाँ से ऐसे लेते हैं। ये आपके ऊपर है, समझिए ऐसे कि आपको एक कॉपी और एक पेंसिल मिल चुका है, आपको जैसे टेबल बनाना है आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम टेबल, ड्रो टेबल का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। चलिए इसे डिलीट करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं, टेबल में चलते हैं, ड्रो टेबल समझ गए। अगला है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इसका नाम है कि टेक्स्ट पहले लिख दीजिए और फिर उसके बाद आप इसे टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आइए दिखाते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहां लिखते हैं राम और टैब बटन प्रेस करेंगे, कौन सा बटन, टैब। टैब प्रेस करने के बाद यहां टाइप करेंगे श्याम, फिर टैब प्रकाश। चलिए यहां 3 नाम लिख चुके हैं। अब इसे कंट्रोल से आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और इसमें अब देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हाईलाइट हो चुका है। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए क्लिक कर दिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑप्शन वही खुल जाएगा कि कॉलम बाय डिफॉल्ट 3 ले चुका है और रो 1 ले चुका है। यहां से ओके कीजिए, देखिए
राम श्याम और प्रकाश तीन कॉलम में एडजस्ट हो चुका है। तो इस तरह से कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल का इस्तेमाल करके अगर आप पहले टेक्स्ट लिख चुके हैं और उसके बाद भी आप उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। एमएस वर्ड में ही आप अगर एमएस एक्सेल ओपन करके और उसमें किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एक्सेल स्प्रेडशीट का। तो चलिए एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एक्सेल पे क्लिक किए यहां एमएस वर्ड में एक्सेल खुल चुका है। अब इसमें आपको कुछ टाइप करके बताते हैं, से बुलसाई प्रकाश आदित्य, इस तरह से कुछ कुछ आप टाइप करके, ये टाइप हो रहा है एमएस एक्सेल में, लेकिन बाहर जब क्लिक करेंगे तो ये जो सेव होगा फाइल, ये सेव फाइल होगा आपको एमएस वर्ड में। तो इस तरह से आप क्या समझे कि यदि आप एमएस वर्ड में एमएस एक्सेल में कुछ काम करके इस्तेमाल किया हुआ सेव करना चाहते हैं तो एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला हमारा आखिरी ऑप्शन है, एक बार मैं बता दूं कि यहां तक जो बात आपको समझ में आया, चलिए यहां से हम इसे एस्केप से क्लोज करते हैं। एक ऑप्शन है थोड़ा सा एक्सेल स्प्रेडशीट के बाद हमारा सिस्टम स्लो होता है, शीट को ध्यान रखिएगा। अगला है क्विक टेबल। क्विक टेबल में बना बनाया कैलेंडर मिल जाएगा, कोई भी कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको कोई रूटीन बनाना है तो आप रूटीन का इस्तेमाल यहां से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसमें और भी बहुत सारा स्टाइल है। इंसर्ट पे चलते हैं, टेबल पे, और क्विक टेबल में जाकर यहां से आप कोई भी फॉर्मेट जो बना बनाया, जैसे आपको सपोज कीजिए कि दुकान से कुछ सामान मंगवाना है, बुक मैगजीन नोटबुक, तो ये बना बनाया आएगा। बस सिर्फ आपको यहां क्वांटिटी कितना चाहिए वो टाइप कर देना है, आपको आराम से ये प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया इंसर्ट टैब में दो ब्लॉक, कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्लॉक और टेबल। अब टेबल का जो डिजाइन है, जो लेआउट है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में दो ब्लॉक, पहला पेज और दूसरा टेबल, और उसके अंदर जितने भी टूल्स थे मैंने एक एक करके सारे टूल्स के सारे ऑप्शन को डिटेल में समझा दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर आप गौर से देखे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी ऑफिस का एक्सपर्ट बन सके और वो भी अपने ऑफिस एमएस ऑफिस के नॉलेज को गेन करके, इम्प्रूव करके अपने पर्सनैलिटी को बढ़ा सके। तो आज का क्लास यहीं पर संपन्न होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।